हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डोज कॉइन के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो क्रिप्टो में कंपटीशन बहुत ही टफ चल रहा है। जैसे अगर हम देखें तो स्पेशली डोज कम्युनिटी में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिबा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम देखें शिबा जो बीट करने की कोशिश कर रहा है वो डोज कॉइन को बीट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत टसल्स चल रही हैं, इनके फाउंडर्स एक दूसरे को इस ऊपर ट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इनकी कम्युनिटी में बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे बीच में अगर कोई एंट्री मार रहा है तो इनकी कम्युनिटी में बीच में एंट्री मार रहा है बेबी डोज कॉइन। तो आज इस वीडियो में हम सारी उसके बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, साथ में बेल के आइकन को दबाओ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, अपडेट हो, आप मिस ना कर सको। ओके, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और न्यूज़ वगैरह शेयर करूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होता है वो भी आपका अपना, अगर आपको लॉस होता है तो वो भी आपको अपना लॉस है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोज कॉइन और शिबा इनू, जी बिल्कुल, इन दोनों के बीच में बहुत एक टसल चल रहा है, दोनों की कम्युनिटी के बीच में बहुत आए दिन एक दूसरे के ऊपर में लगे रहते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत कुछ देखने को पड़ता है दोनों की कम्युनिटी में। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और कॉइन इनके बीच में आता है तो वो निकल के आता है बेबी डोज कॉइन, जो अपना फुल प्रिपरेशन के साथ इन दोनों के कंपटीशन में आ गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बेबी डोज कॉइन ने रिसेंटली बहुत बड़ा गेन किया है। इससे पहले कि हम बेबी डोज कॉइन की तरफ चलें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मार्केट का देखना चाहता हूँ। आज 24 घंटों में पिछले तकरीबन BTC 5.3% गेन हुआ है, इथेरियम बहुत अच्छा गेन हुआ है 10.8%, और अगर कोई और कॉइन गेन हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा पोल्काडॉट हुआ है। तो पोल्काडॉट ने भी बहुत बड़ी गेनिंग हासिल की है पिछले 24 घंटों में, और पिछले वीक में तकरीबन 25.2% गेन हमें देखने को मिला पोल्काडॉट में। और अगर टेरा की बात की जाए तो वो भी हमें 8.7% गेन देखने को मिली है। और अगर हम बात करें शिबा इनू, तो शिबा इनू ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन डोज कॉइन ने भी हमें 6.7% का गेन दिया है। अगर आप बेबी डोज को देखें तो बेबी डोज ने तकरीबन इन सबसे ज़्यादा गेन हासिल किया है। बेबी डोज ने तकरीबन 44.2% का गेन हासिल किया है, जिसकी हम बात कर सकते हैं। इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.00000022 चल रही है इसकी करंट प्राइस। BTC के पेयर के हिसाब से हमें 37.2% गेन देखने को मिल रही है, और BNB के पेयर से हमें 36.2% गेन देखने को मिली, जो एक बहुत ही बड़ी गेन है। क्योंकि अगर हम बेबी डोज की बात करें तो इसकी रैंकिंग हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, ये तकरीबन पहले 200 से भी ऊपर था, लेकिन अब हमें इसकी रिसेंटली जो अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो 183 देखने को मिल रही है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 61% डाउन है, जो अनकरीब जो इसने बनाया था जुलाई के मंथ में, तो अनकरीब हमें इसका देखने को मिलेगा ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। अब देखते हैं कि ये इसको कहाँ तक लेके जाता है, क्योंकि अगर हम इनके ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑफिशियली शेयर किया तो भाई बेबी डोज कॉइन आ गया टॉप 200 कॉइन में से, जो हमने आपको दिखाई भी सी अभी इसकी रैंकिंग, जो इसकी रैंकिंग हमें देखने को मिली 183 पे। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है इनके ऑफिशियली, जो निकल के आते हैं मेजेस्टिक। मेजेस्टिक एक बहुत म्यूजिशियन है जो ऑफिशियली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के उन्होंने ऑफिशियली एक ट्वीट की थी है, मेजेस्टिक एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है जिसने ऑफिशियली ट्वीट की थी बेबी डोज के हवाले से। यहाँ पे पे अटेंशन टू द बेबी डोज, इट मीन उसने भी देखा इतना बड़ा पंप लेके जा रहा है कोई कॉइन, तो उसने भी उसके ऊपर अपनी अटेंशन लेने की कोशिश की। और यहाँ पे एक और आर्टिकल भी निकल के आता है जो investing.com की तरफ से, एक्सपोज बेबी डोज कॉइन, बेबी डोज थ्रोज अ टेंट्रम। ओके, क्योंकि बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी जो ट्विटर पे वो बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन गोज ऑन ऑल आउट ऑफ द बेबी रैम्पेज विद द ट्विटर्स हेल्प, बेबी डोज एलिमिनेटेड द इट्स कॉम्पिटिटर, द क्रिप्टो इज गोइंग ऑल क्रिप्टोज विद द लिट टाइटल ऑफ डोज। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी डोज के टाइटल के हवाले से हमें जितने भी कॉइन देखने को मिल रहे हैं उनमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें बेबी डोज कॉइन की, तो बेबी डोज कॉइन के हमें तकरीबन बहुत बड़े फॉलोवर्स देखने को मिलते हैं, तकरीबन 282 के फॉलोवर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनके होल्डर्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि बिसाइड द होल पॉइंट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इज टू फैसिलिटेट द डिसेंट्रलाइज्ड, बेबी जो डोज इज ट्राइंग टू क्लेम द डोज टाइटल सिंपली गोज अगेंस्ट द स्प्रेड, इट मीन कि हम जो देखें हमारी जो कम्युनिटी है बेबी डोज कॉइन की, वो स्पेशली इसका देखा जाए तो मेन टारगेट है डोज, डोज जो हमें निकलने को मिलता है डोज कॉइन, जिसके ऊपर शिबा का भी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। अनकरी मुझे लगता है कि शिबा इनू
तकरीबन मार्केट कैप के हिसाब से डोज से भी आगे जाएगा। इन करीबी अगर इलॉन मस्क के हवाले से हमें कोई ट्वीट वगैरह नहीं देखने को मिलती तो ऐसा हो सकता है, अगर इनका कुछ हो जाता है तो देखते हैं कि डोज कॉइन हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन को दबाओ ताकि क्रिप्टो हो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। पीस।